नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। चलिए, तो जैसा कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल देखकर हमारे चैनल पे आए होंगे कि आपको 15 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, तो बहुत अच्छी जगह आए हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चीज़ को चाहते हैं आप हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहें। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आपको वर्क करना है, जिस पे आपको काम करना है, मेहनत लगा के, दिल लगा के काम करना है, तो आप 15 दिन में अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। अगर ऐसा हो जाता है, सफल हो पाते हैं इसमें, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे माध्यम से दिया गया जो एडवाइस है उस चीज़ को आप फॉलो किए हैं और आप अपने चैनल पे अच्छे व्यूज पाने में सक्षम हो पाए हैं, अच्छे सब्सक्राइबर पाने में सक्षम हो पाए हैं। तो मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अपने चैनल पे, ताकि आप अपने अच्छे व्यूज, अच्छे सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन के योग्य चैनल को जल्दी से जल्दी अब बना सके। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि एक टूल आता है, जैसे कि आप कोई, जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप वीडियोस में बहुत सारा टाइटल डालते हैं, टैग्स डालते हैं, डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने चैनल को पब्लिश कर देते हैं। चैनल के पब्लिश करने के बाद आप मान लीजिए 10 दिन काम कीजिए, जिस तरीके को आपको आता है, जिस तरीके से आपको लगता है कि ऐसे काम करना चाहिए, तो आप अपने चैनल पे ऐसे काम करते रहिए। 10 दिन के बाद क्या कीजिए कि 10 दिन के बाद अगर लगता है कि आपको कोई वीडियोस लगता है कि ये ज़्यादा चल गया है, इस पर अच्छे व्यूज आ गए, क्योंकि अगर आप 10-15 दिन काम करते हैं तो ऑब्वियसली कोई एक वीडियोस होती होंगी जिस पे कि मान लीजिए 10 ही व्यूज आ रहे हों तो बेहतर व्यूज माने जाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा वीडियोज है, आपका ऐसा कोई वीडियोज आपके चैनल पे हो गया है कि 8-10 व्यूवर्स हो गए हैं, तो आप उसको खोल लीजिए, ठीक है। उस वीडियोस को देखिए कि एनालिटिक चेक कीजिए कि उसमें आपने क्या दिया है, क्योंकि आज तो बहुत सारा ऑप्शन भी आ गया है आपको देखने का कि क्या कितना बढ़ रहा है, कितना वॉचिंग टाइम आ रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप यूट्यूब बॉडी जो है ना, यूट्यूब बॉडी एक सॉफ्टवेयर होता है, आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर यूट्यूब बॉडी, उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद जब अपना जो पॉपुलर वीडियो है उसको खोलते हैं, और उसको खोलने के बाद जब यूट्यूब को वहां पे ओपन करके देखते हैं, तो आपके जो टैग दिए होते हैं ना, टैग की सर्च लिस्टिंग बता देती है कि ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 12 नंबर, ये 40 चीजें आपको दिखा देती है। तो यूट्यूब आप जरूर डाउनलोड कीजिए। उसका बेनिफिट होता है कि आप जो टैग डाल रहे हैं वो नंबर ऑफ जो रैंकिंग है उसका कितना है, नंबर 1 सर्चिंग में है, 2 सर्चिंग में है। अब उसमें से क्या कीजिए कि जो टैग डाले हैं उसका सारा नंबर आपको बता देगा। सारा नंबर जैसे ही आपको बताता है तो टॉप का जो आपका लाइक 1-2 पे जो आपका टैग है उससे रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उससे अगर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि उस पर अगर आपके 10 भी व्यूज आते हैं तो उसी से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं तो उस पर भी अच्छे व्यूज आएंगे। हो सकता है कि उस चीज का इस्तेमाल करके आप उस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब बड़ी डाउनलोड करना है, जो आप वीडियोज में टैग डालते हैं टैग में आपको पूरा वेरीफाई कर देता है कि आपकी जो सर्चिंग है वो कितने नंबर टैग पे है, और उसी टैग के अकॉर्डिंग आगामी वीडियोज अपने बनाए तो उस पे ऑब्वियसली व्यूज आएंगे। तो ये पहली चीज थी जो कि YouTube बडीज डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से अपने टैग को सर्च करना है, और टैग के अकॉर्डिंग जो आपके टॉप प्रायोरिटी में टैग है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनानी है, तो अच्छा व्यूज आपका आ सकता है और हो सकता है तो आपके पैकेज भी वो हिट हो सकते हैं। तो दूसरी जो चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि आप कोई, जैसे आप ईमेल आईडी है आपके पास, तो आप कोई फेक यूट्यूबर का आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, फेक यूट्यूबर का आप नाम से कोई एक फेक आईडी बना सकते हैं, जैसे कि वीवी की वाइंस हो गई, अमित वडाना हो गया, या फिर टेक्निकल गुरुजी हो गया, या फिर कोई भी ऐसे यूट्यूबर जिसकी कोई आप पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर है, तो उसका एक फेक आईडीज बना के अपने पे कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अपने वीडियोस पे कमेंट करने के बाद उस पे एक वीडियोस बनाए कि इन्होंने मेरे चैनल पे उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, तो ऐसा एक कोई डाइवर्सिटी, ऐसा कोई ट्विस्ट ऐसा डालें ताकि लोगों को एक एक्साइटमेंट मिले कि आपके चैनल पे बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट मिल जाए। हालांकि ये थोड़ा सा ऑड चीज है और इस तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन अब चाहते हैं कि हमें व्यूज आना ही चाहिए, हमें व्यूज मिलना ही चाहिए, तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं और उस
बंदे का जिसका आप इस्तेमाल करते हैं मेल आईडी, उसके फोटोज के माध्यम से आप उस पर कुछ खबर या फिर कुछ ऐसा टेक्निकल चीजों को जोड़कर आप अपने को कंबाइंड कर उस पर वीडियोज बना सकते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका चैनल ऑब्वियसली हिट होगा और आपके चैनल पे अच्छे व्यूज और अच्छे सब्सक्राइबर आ सकते हैं। तो इस तरीके को भी आप जरूर अपनाएं। जो पहला तरीका था यूट्यूब बडीज, उसको अपनाएं। सेकेंड जो तरीका था वो कि फेक आईडीज आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई बड़े यूट्यूबर का नाम लेकर उस पर वीडियोज बना सकते हैं। बड़े यूट्यूबर का नाम लेने का ये फायदा होगा कि उनकी जो पब्लिसिटी, उनकी जो फैन फॉलोइंग है ऑब्वियसली ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो आपको वो पसंद करेंगे, उनके जो व्यूवर्स होंगे वो आपके चैनल से भी आ जाएंगे और उसके बारे में जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आप जो है उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने चैनल पे जो नंबर ऑफ व्यूज़ है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो आप जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप जब किसी के साथ रहते हैं तो 3-4 लोग साथ में रहते होंगे। और मुझे लगता है कि आज के क्षेत्र में, आज की दुनिया में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन और सभी के पास जो है नेट और इंटरनेट और यूट्यूब चलाते होंगे लोग। तो आप क्या कीजिए कि कोई भी जब अपना वीडियोज़ अपलोड कीजिए तो आप अपने 3-4 दोस्त के मोबाइल में जाकर उसी टाइटल को सर्च करें, अपने चैनल को सर्च करें और वहाँ पर जाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मान लीजिए मैंने वीडियोस बनाया, हमारे 4 दोस्त हैं, मैंने उनके मोबाइल को लिया और जो अपना टाइटल दिया है मैं उस टाइटल को डाल दिया, और उस टाइटल को डालने के बाद मेरा चैनल आ जाता है, उस चैनल का मैंने वीडियोस देखा, मैंने उसको वीडियोस को पूरा का पूरा देखा, एक वीडियो देखा, दो वीडियो, 3-4 वीडियो, जितना पॉसिबिलिटी, जितना आपके पास दोस्त का मोबाइल हो जाता है आप उसको देखिए। फिर दूसरे मोबाइल में सेम कंडीशन, दूसरे दोस्त जो है उसमें भी सेम कंडीशन जो है अप्लाई करिए, तीसरा जो है उसमें भी सेम कीजिए, चौथा ऐसा सेम कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो YouTube को लगेगा कि लोग इसके चैनल को सर्च कर रहे हैं और इसका जो चैनल है वो सर्चिंग में आ रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आपका जो चैनल होगा वो सर्च लिस्ट में जाएगा, ब्राउजिंग लिस्ट में जाएगा और लोगों के पास हो सकता है तो उसकी संभावनाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ऐसा चांसेस बनता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग होती है वो इसी के माध्यम से होती है कि आपके चैनल को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उस पर वॉचिंग टाइम क्या है, उसी के अनुसार जो यूट्यूब है लोगों के बीच सजेस्ट करता है और लोगों को आपके वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप ये तीसरी जो टिप्स है उसको भी ज़रूर अपनाइए, लोगों के मोबाइल लीजिए, लोगों के मोबाइल से अपने वीडियोज़ का नाम सर्च कीजिए और उनके मोबाइल में ज़्यादा से ज्यादा देखिए, ताकि आपके वॉचिंग टाइम और आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो यूट्यूब के पास जाए, तो वो लोगों को, दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा आपके वीडियोस को, और जब दूसरे लोगों के पास जाएगा तो ऑब्वियसली आपके व्यूअर जो हैं वो बढ़ेंगे, आप अच्छा अगर कंटेंट देते हैं तो। ये तीसरी चीज थी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका भी आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। चौथी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, कोई चैनल का अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी पे काम करते हैं और कैटेगरी पे काम करते 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 उस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि हतोत्साहित हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ उस पे तो एकदम व्यूवर्स आ ही नहीं रहे हैं और क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, मैं एक आइडियाज दूंगा जिसको कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका कोई टेक्निकल चैनल है, आप टेक्निकल चैनल पे काम कर रहे हैं 10 दिन से 15 दिन से और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर, कोई अलग टॉपिक उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा अलग टॉपिक पे आप वीडियोज बना सकते हैं जो कि आपके टॉपिक के तले हो, तो उस पर हो सकता है, उस पर चांसेस है कि आपके व्यूवर्स आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसपे कि काम कुछ और करते हैं उस पर व्यूज नहीं आते हैं और जब कुछ और काम करते हैं तो उस पर अल्टीमेटली व्यूज आ जाते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं और कभी कोशिश कीजिएगा कि जब आप चैनल, आपके चैनल पर व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है उस प्रकार की टेक्निक को अपनाएं, और इस प्रकार के टेक्निक को अपनाते हैं तो ऑब्वियसली ये फायदा होगा। तो ये चौथी चीज़ थी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि अगर आपका कोई चैनल का कैटेगरी सेम है, अगर उस कैटेगरी पे काम करते करते थक गए हैं, आपके व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी दूसरे जो टेक्निक है, दूसरा जो कैटेगरी का जो न्यूज़ है या फिर दूसरा कैटेगरी का जो बना सकते हैं आप वीडियोस, उस पर आप वीडियोस बनाएं, तो हो सकता है कि आपके अच्छे व्यूज और बहुत कम समय में अच्छे व्यूज आ सकते हैं। तो चौथी चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे कि जब भी आप YouTube चैनल खोलते हैं, हालांकि होता है कि जो लोग भी काम करते हैं YouTube पे डेली YouTube चैनल अपना खोल ही देते हैं, तो डेली जब खोलते हैं तो आप जो है सुबह सुबह जब उठते हैं तो आप अपने नए YouTube का जो पॉलिसी आया हो या फिर कोई नया रूल आया हो या फिर YouTube ने कोई अपना अपडेट दिया हो तो उसको आप अपने
YouTube चैनल पर जाकर देखें, हो सकेगा तो जितना सुबह आप देखते हैं उतना सुबह उस चीज़ को चेक कर लें। तो होता क्या है कि YouTube जैसे कि फॉरेन कंट्री से चलता है तो हमारे टाइमिंग से टोटली डिफरेंट होता है। हमारा जब भोर 4 होता है तो उनके यहाँ फिर ऑफिस टाइमिंग होती है, तो आप 4-5 बजे जब YouTube खोलते हैं तो वो लोग नई पॉलिसी होता है या फिर कोई नया रूल होता है या फिर कोई नया अपडेट होता है तो वो उस चीज़ों पर फोकस करते हैं और उस टाइम वो चीज़ों को पब्लिश करते हैं। तो आप उस चीज़ों को एक्टिव लेकर रहें, अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि आप उस पर न्यूज़ बनाएं, उस पर आप खबर बनाएं, उस पर आप कोई अच्छा वीडियोस बनाएं तो वो वीडियोस लोगों के बीच जल्दी पहुंच सकता है और सिंगल आपका होगा क्योंकि आप उसको काम करने वाले होंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने वाले होंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और इसका जो बेनिफिट होगा वो आपके चैनल पर आ सकता है, व्यूवर्स के माध्यम से आ सकता है, सब्सक्राइबर के माध्यम से आ सकता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपडेट होना ज़रूरी है और अपडेट चीज़ों को अगर पहले आप भेजते हैं तो आपकी जो व्यूवर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स से वो बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताया कि आप अपने चैनल को ग्रो 15 दिन में कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने 4-5 टेक्निक बताई जो कि आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब बड़े डाउनलोड करना है आपको, फेक जो यूट्यूबर्स फेमस यूट्यूबर्स हैं उन पे काम करना है, इसके बाद फिर आपको नए टॉपिक ढूंढना है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप नए टॉपिक ढूंढकर उस पे काम कर सकते हैं। यूट्यूब के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो आपके नए यूट्यूब के अपडेट्स आ रहे हैं उस पे आप काम कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड दोस्त और आपका कोई आसपास का मोबाइल चलाता है तो उसको अपना वीडियो सर्च करा के आप वहां से भी अपना वीडियो दिखाकर सर्च लिस्ट में, ब्राउजिंग लिस्ट में ला सकते हैं और अपने चैनल को सर्चेबल बना सकते हैं, जिसका फायदा आपको व्यूअर्स और सब्सक्राइबर गेन करने में होगा। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।